मयंक अभी एक बाइक ले रहा है पार्टी देगा, तो मीटर ऑन करके दिखाते हैं। मैंने एन 160 ली थी, मुझे यही लेनी थी। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं भैया? स्टार्ट देखिए ना, अभी हाई आरपीएम नहीं जाना है, अभी 5000। हेलो गाइस, आई एम शेखर, यू गाइस आर वॉचिंग थ्रॉटल बार। तो आज आपके भाई ने ब्लैक ब्लैक शर्ट पहन के निकली है और ऊपर से ब्लैक ब्लैक बाइक है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि मतलब मज़ा बहुत आ रहा है चलाने में, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक बाइक लेने, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आज लेनी ही है अगर सारी चीज़ें फाइनल हो गई तो। और बाइक होने वाली है कौन सी वो तो हम लोग आपको वहाँ पहुँच के ही बताएँगे। फिलहाल के लिए आप लोग बस सब्र करो और राइड का मज़ा लो, क्योंकि जब भी R15 चलाता हूँ यार क्या मज़ा आती है बाइक चलाने, मतलब क्या मज़ा आती है। ड्यूक 200 से रेस लग रही है भाई, और मैंने फ्रेंडली रेस कर लिया है थम्स अप दिखा के, नहीं तो ये बहुत ही एक्सट्रीम होता है। और ड्यूक 200 को मैंने हरा दिया यार 150 cc से। ओहो सच अ शेम, शुरू में वो आगे निकला ऑफ कोर्स कॉज ऑफ द इनिशियल टॉर्क, बट यार R15 तो R15 है ना। क्या मजा आ रही है भाई, क्या मजा आ रही है। तब आनंद भैया किस परी पे दिला रहा है, किस परी पे दिला रहा है? दोनों पे रहा है, रेड और व्हाइट दोनों पे। लाल घाघरा की सफेद चोली दोनों यार ये रेड वाला कलर R15 का कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो ना। व्हाइट तो ठीक है पर वो देख रहे हैं एक बार, क्या प्यारा कलर है भैया, क्या प्यारा कलर है। अरे छोटा लग रहा है मेरे वाले से। फिलहाल गाइस अभी जा रहे हैं R15 लेना, R15 V4। फीचर्स के बारे में हमको पता नहीं, उतना नॉलेज नहीं है, फीचर के बारे में मयंक भाई बताएगा। फीचर्स देखो आप प्रोफेशनल, आपको इसमें क्विक शिफ्टर मिल जा रहा है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल है इस बाइक में जो कि बड़ी बड़ी बाइक में आता है, इसमें पता नहीं 150 cc में क्यों ही दे रखा है, पर है तो अच्छी बात है। प्लस आपको LED हेडलैम्प, LED प्रोजेक्टर, सारी चीज़ मिलते हैं आपको। मीटर भी डिजिटल मिलता है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी, आप फोन कनेक्ट कर सकते हो अपना। 6-speed गियर है और सिंगल सिलेंडर इंजन है, पर इंजन बहुत ही प्यारा है, VVA टेक्नोलॉजी के साथ आता है। माइलेज आप अगर अच्छे से चलाओगे तो आपको 40 का देगी, अगर आप बुरे से चलाओगे तो 31 पे भी उतार देगी, तो भिंगा के मारती है अपने पास तो एक है। इसमें अगर पुराना वाला से कंपेयर किया जाए तो इसमें क्या क्या चेंजेस दिखेगा पुराने वाले से? जो मेरे पास V3 अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो इसके पास सबसे पहले आइए आपको मिलेगा USB 4 जो कि बहुत ही प्यारे दिखते हैं। सेकेंड चीज़ आपको मीटर बड़ा दिखेगा, और उसके बाद प्रोजेक्टर हेडलैम्प है आपके पास, मीटर दिखा दो, मीटर भी देख लो, मीटर भी नया आ गया है। प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल, इसमें हैजार्ड स्विच भी है, इसमें आपको अलग से लगाना नहीं पड़ेगा, तो हैजार्ड लाइट भी इसमें साथ में मिल जाता है। और मेरी बाइक में क्या नहीं, क्विक शिफ्टर नहीं है मेरी बाइक में, क्विक शिफ्टर नहीं, इसमें देखो क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर का काम क्या होता है कि आप बिना क्लच लिए गियर चेंज कर सकते हो, मतलब आप क्लच मत लो, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट मज़ा ही आ जाएगा। तो उसमें और तो ऐसा कोई खास चेंज नहीं है, एग्जॉस्ट सेम है, इंजन सेम है बस इसमें। हाँ इतना प्राइस है इस बाइक का, ऑन रोड कितना बताया गया आनंद भैया? 225 ऑन रोड बताया गया, लेकिन ये देखो इंडिकेटर बल्ब मिल रहा है, मुझे इंडिकेटर बल्ब नहीं चाहिए थे, वो 1500 के अलग से लगाने पड़ेंगे। पर आप देखो यही, अगर आप M मॉडल लेते हो तो आपको ये इंडिकेटर्स मिलते हैं LED। कोई नहीं, अगर जिसको पसंद है वो ले सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, 1500 का दो देगा, दो इधर दो उधर, तो फाइनल किया जाए दुल्हन को, गुरकी को ले चले, फाइनल है गुरकी को ले चले, गोरखी जाएगी। हमारा लाल घाघरा भी अच्छा लगा था लेकिन हमको गोरखी बड़ी पसंद है। तो अगर आप सारा चीज़ सही रहा तो कुछ दिनों में आपको हमारी वीडियोस में R15 भी दिखने लगेगी। नहीं, एग्जॉस्ट कब चेंज कराएंगे आप? 2-3 सर्विसिंग करा लेंगे इसके बाद, थोड़ा इसका भी मज़ा ले लेंगे। इनका देखो पूरा शौक है, एग्जॉस्ट चेंज होगा, मिरर निकल जाएगा, इंडिकेटर निकल जाएगा, जहाँ मामू दिखेंगे वहाँ स्लो रहेगा, बाकी फिर स्लो रहेगा।
और डरते तो ये किसी से है नहीं, आपने तो देखा ही आनंद भैया का भी जलवा जलवा बताइए अपडेट क्या सीन है। मयंक अभी एक बाइक ले रहा है पार्टी देगा, तो ये गाड़ी पूरी तैयार हो गई है, तेल भी डाल दिया गया। मीटर ऑन करके दिखाते हैं, एक लीटर में थोड़ा कम डाला है। अच्छा ये करिए, गाड़ी आपका है, पहला सेल्फ हम मारेंगे। तो गाइस पहला स्टार्ट होने वाला, बस एक बार में स्टार्ट हो जाए। हाँ न्यूट्रल है, अभी हाई आरपीएम नहीं जाना है, अभी 5000 का भी कराना हाई बीम लोग हैं। हाई बीम लोग देखो गाइस यहां पे है, 6000 लाइन बैठिए आनंद। ओ माय गॉड, ब्लैक पे वाइट अच्छा था लग रहा है, ले लिए। अभी जब तक शोरूम से नहीं निकलता है तब तक नहीं पता सकता। दिए था एक्सेलरेटर दीजिए। ओहो अभी ले जाते ही टॉप स्पीड टेस्ट करना है। दो सर्विसिंग तक छूना भी नहीं इसको। बोल रहे दो सर्विस तक छूने भी नहीं देंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। देखो गाइस हम पहन के तो ब्लैक आए थे, सोचे थे ब्लैक कलर का गाड़ी लेंगे, लेकिन ले लिया हमने वाइट, कंप्लीट अपोजिट। और कैसी लग रही है? तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आएगा जब ये भागेगी तो मज़ा आएगा। ये गाड़ी देखो हम लोग को 0 किलोमीटर चली हुई मिली है, 0 ओडोमीटर पे 0 लिखा हुआ है। पूरा पैक था। अरे ये तो रही गया, ये देखिए आप लोगों के सामने पूरा सील था। आह यही खुला रहता तो हमको चला ट्रक से उतरते हैं। लेकिन इसका हैंडल मेरे से ऊंचा है, जो हमारी भीतरी वहाँ खड़ी है इसका हैंडल ऊंचा है, कम हाथ दुखेगा। सो गाइज अभी मैं यही बोलूँगा कि गाड़ी तो हमने ले ली है, मतलब आनंद भैया ने ली है, लग रहा है गाड़ी अपने ही घर आई है। तो अब इसके बारे में आपको एक डिटेल रिव्यू वगैरह टाइप से वीडियो जरूर तो बना के दे दूंगा कभी ना कभी, पर आज खुश बहुत है, वो भी है हम भी है। अभी इसकी जाके पूजा वगैरह भी करानी है, सारी चीज़ें करनी है। और मेरे को भी, मैं जेन्युइनली बताऊँ तो जब मैंने N160 ली थी मुझे यही लेनी थी, तो बजट का इशू था, ये अमीर आदमी है, भैया ने ले ली तो हम ही चलाएंगे, ये बढ़िया है, तेल कोई और भराया चलाया है ज़्यादा अच्छा, खुद लेने से अच्छा कि दोस्त को खरीदवा दो। हेलमेट गिफ्ट करेगा भी अच्छा से कर दे, हेलमेट गिफ्ट पहले हमको अपने लिए चाहिए, हेलमेट साथ में चल के ले गए ये कर सकते हैं, आप लीजिए तो हम भी 5000 फूक देंगे, ऐसे हम बचे हुए। फूक सकता है मेरे लिए नहीं फूक सकता, आपके लिए फूकेंगे तो भी अपने लिए 10000 फूकना पड़ जाएगा ना, फिर क्या हमको तो लेना ही है। फूक सकता है तुम्हारा ब्लैक चलेगा। ओहो अच्छा आप सफ़ेद ले लिए ना गाड़ी। ओहो चाहिए मेरा शौक था NS 200 मेरा। दो दिन से NS ढूंढ रहे हैं, मीटर वाली आखिर में देखो क्या लिए R15। दोनों ब्लैक पहन के आए थे कि गाड़ी लेंगे तो ब्लैक ही लेंगे, पर देखो कंप्लीट अपोजिट वाइट ही पसंद नहीं आ रहा ब्लैक यार। R15 का वो वाली जो ब्लैक है ना अपनी भीतरी, वो बेस्ट है, अब नई वाली ब्लैक बहुत ही ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसा बना दिया, ग्रे टाइप लग रहा है। आनंद भैया को गिफ्ट चाहिए था हेलमेट मेरे से, भैया ले आइए ये मेरे तरफ से आपका, देखिए कितना प्यारा हेलमेट है, अब आप कुछ नहीं बोल सकते, ये लीजिए हेलमेट। शोरूम दिखाओ, शोरूम से मिला हुआ है, हम अभी लेके दिया है ना, पहले पहन के तो दिखाइए, हम भी दे सकते हैं, पहन के दिखाइए। देखिए सेक्सी ब्लैक कलर का हेलमेट है, वाह। देख टिंटेड वाइजर भी दिए हैं, कूल लगेगा, वो छोड़िए कूल लगेगा, क्या मस्त हेलमेट, अरे माँ कसम हीरो लग रहा है भैया। बाइक पे बैठिए, पहन बाइक पे बैठिए एक बार। तो ये हेलमेट मैंने गिफ्ट कर दिया इनको, अभी हमको बाइक गिफ्ट करने वाले हैं। मेरे सिनेमेटोग्राफर ने बाइक ले ली और अपने बाइक का सिनेमेटिक खुद काटा है, बताओ क्या करें। अब इनका हमको रील बनाना पड़ेगा, अभी तक बाइक नहीं थी तो हम बचे हुए थे, उसको तंग करेंगे रोज बोलेंगे कि आओ 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 वीडियो बनाओ। तो मेरा क्या है, हम वीडियो बनाने जाएंगे तो अपना तो बनेगा ही ना, अब वीडियोस ज़्यादा बनेंगे ऐसे इनको उठाना पड़ता था, अभी खुद उड़ जाएंगे। तो क्या प्रोसेस हो रहा है भैया बताइए, क्या है आज ज़िंदगी में? आज ज़िंदगी में ये बाइक है, ये नहीं है वो है, है दूसरी दुल्हन नहीं ले जाना है। हम लोग को ऐसे वो लाल घाघरा पसंद आया था, लेकिन फिर आपको नहीं पसंद आई थी उतनी, अगर आप अगर ऐसा होगा तो हम निकाल लेंगे। हाँ तो आप पहन के क्या है रेड भैया, ले लीजिए एक और। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं भैया, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नई नई बाइक हमने ले ली है, क्या प्यारी लग रही है व्हाइट कलर में R15। ओ माय गॉड,
और आनंद भैया हमारे पीछे है जिनकी दुल्हन। क्या भैया ये क्या सुन रहे भैया, नया गाड़ी लिए है, क्या बात है? ये नया मॉडल R15 का अभी लॉन्च हुआ है। अरे भाई क्या गाड़ी बनाया भाई, यामाहा एकदम क्लासिक मॉडल में निकाला है भैया R15। अच्छा लिखा भी है क्लासिक भैया नीचे, वाह। तो नई नई बाइक आगे जा रही है, हम लोग फुल सिक्योरिटी देते हुए जा रहे हैं, ऐसी जरूरत तो है नहीं पर अपना ही मजा है इन सब चीज़ों का भी। अब पूजा हो गई, ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं फिलहाल, नहीं तो बहुत लंबा बन जाएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, जो भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो ना लगाओ, ये मैंने अपने मेमोरी के लिए डाल दी वीडियो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी, बोलो बाय बाय। बाय बोलिए भैया, बाय बोलिए आप भी, बाय। ब्लॉग बंद। चलाने में बहुत ही बटर मक्खन, पर हैंडल मुझे टेढ़ा क्यों फील हो रहा है, आई डोंट नो, पर हैंडल मुझे चलाने में टेढ़ा फील हो रहा है। मतलब सच में मुझे लग रहा है गाड़ी टेढ़ा चल रही है, हैंडल टेढ़ा है। यार अब मैं ये न्यूज़ बताऊंगा उन लोगों को तो उन लोगों को लगेगा सैड न्यूज़ दे दिया, पर यार हैंडल टेढ़ा है अब।